व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो का सबसे शानदार तरीके से यूटिलाइज करना, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, वहां पर क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देखना है। ये सबसे शानदार तरीका होगा आप लोगों को इस वीडियो का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करने का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, तो ये प्रोसीजर फॉलो करके चलिएगा और यकीन मान लीजिएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे, अगर आप लोग ये प्रोसीजर फॉलो करके चलते हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और जितने भी क्वेश्चन देखे आप लोग गलत करेंगे, फिर उसको आप लोगों का सोल्यूशन देखेंगे और फिर एक बार जाके खुद से इंटरनेट पर या फिर आप लोग बुक उठा के देखेंगे पॉलिटी की, तो आप लोगों को समझ में आएगा, वे चीजें आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक याद भी रहेगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आप एक बेस तैयार इस तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रोसीजर फॉलो करके चलिए, आराम से आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बाद में आप लोग जितने भी मार्क्स आप लोगों को मिले वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने आंसर भी देते रहिएगा साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट आप लोगों का इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है और इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं अगर कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज पिक्चर में रहती है। तो पूछा क्या गया है कि हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इन्वायरमेंटल से रिलेटेड वैल्यू, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड बातें कहां पर है, उससे रिलेटेड बातें हमारे संविधान में है भी या नहीं भी है। तो ये यहां पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट बात बोली गई है प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल के लिए पूरा एक कंप्लीट लेक्चर मैंने आप लोगों को लिया था, वहां पर कहीं पर भी ऐसी कोई वैल्यू आप लोगों को नजर नहीं आई थी कि हाँ ऐसा कुछ होता है, कहीं पर भी आप लोगों को नहीं दिखा था। दूसरी बात की जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज, जब हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते थे उस टाइम पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है वहां पर एक पार्ट होता है कि वहां पर बोला जाता है कि हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर, आर्टिकल 51A पार्ट 4A में, ठीक है। तो ये यहां पर हम लोगों ने देखा था, तो उस टाइम पर आप लोगों को पता चला कि जो इन्वायरमेंट हमारी ड्यूटी है तो फंडामेंटल ड्यूटी है इन्वायरमेंट को सेव करने की कहीं ना कहीं, तो ये वाला सही हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए तो आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलेगा इन्वायरमेंटल वैल्यूज के बारे में, कहां पर लिखा गया है, वहां पर आर्टिकल 48A आप लोगों ने पढ़ा है, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो प्रोटेक्ट करना होता है इन्वायरमेंट हो या फिर फॉरेस्ट हो या फिर एनिमल हो, तो यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल 48A के तहत आप लोगों को ये बातें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा आप लोगों को अगर बात करूं, जब बात करते हैं वो आप उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर बात आ जाती फंडामेंटल राइट की भी तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलता। फंडामेंटल राइट की जब बात आती है तो आर्टिकल 21 के तहत ये बात आ जाती है कि हमको अपना इन्वायरमेंट सेव करना है, क्यों, क्योंकि हमको एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, हमको अपनी एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो हमारी लाइफ अच्छे से हम लोग यहाँ पर बिता सके। तो इनडायरेक्ट वे में वहां पर भी आप लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के तहत भी आप लोगों को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने की रिलेटेड वैल्यूज जो है वहां पर बात की गई है, ठीक है। तो कई बार देखिए हमारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट तो है, फंडामेंटल ड्यूटी तो है, पर लेकिन उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तब जाकर नई नई बातें निकल कर आती है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं आर्टिकल 19 में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है हमारी जो मीडिया है उसके बारे में, पर लेकिन एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको मीडिया को उसमें ऐड कर दिया गया, वो निकाल के लेके आए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पास्ट में भी कि इंटरप्रेटेड की जो हमारा संविधान है उसका इंटरप्रिटेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर हो गया बी। आइए अब आगे चलते हैं, कई बार इस तरीके क्वेश्चन भी आ जाते हैं आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डाल देते हैं, पर लेकिन ये मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं जब यूनियन टेरिटरी वाला डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हमने देखा था हमारी कंट्री में आज के डेट में 7 यूनियन टेरिटरी हैं, 7 में से 5 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनमें असेंबली नहीं है और 2 यूनियन टेरिटरी है जहां पर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये कौन सी है, एक तो हो गई पौंडीचेरी और दूसरी हो गई दिल्ली, तो 2 में यहां पर है। पर लेकिन किसी भी यूनियन टेरिटरी की, 7 से 7 यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है, इनमें से अगर लोकसभा में कोई मेंबर पहुंचता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो किस तरीके से पहुंचता है, तो वहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जी हाँ, वहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही मेंबर लोकसभा में पहुंचता है, जैसे कि हमारे स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं। इसके लिए एक्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 का जो नियम है जो बनाया गया है वहां पर यह बात बोली गई है कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होने हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चुनके आने हैं यहां से यूनियन टेरिटरी से, तो वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो ये बात आप लोग थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी चुने जाते हैं डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पर हर एक एरिया से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अच्छा ये बताइएगा, जो 7 की 7 यूनियन टेरिटरी है, कितने कितने मेंबर यहाँ पर पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में नहीं आप लोग ये बताइएगा लोकसभा में है, पार्लियामेंट तो छोड़िए, लोकसभा में बताइएगा कितने कितने मेंबर यहाँ से हैं, कितने कितने मेंबर यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं अलग अलग यूनियन टेरिटरी के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इसके लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। बात की जा रही है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, तो सबसे पहले तो यही याद रखना है आप लोगों को, आर्टिकल 263 263 के तहत संविधान में इनके बारे में बात की जाती है। सेकंड बात यहां पर देखते हैं, इस तरीके असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों कई बार आते हैं, ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग एक भी इसमें से आंसर पकड़ लेते हैं कोई, तो आप लोग काफी हद तक एक करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। इट इज नॉट ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जी हाँ सही बात बोली जा रही है, ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मैं आप लोगों को पढ़ा था, मैंने आप लोगों को डिटेल में फोकस दे देकर पढ़ाया था कि ये बाद में गठन किया गया था सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में, सरकार या कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1990 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बाद में इनका गठन किया गया था। ओके, इट इज एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात बोली गई है। तो क्या हो गया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आंसर हो गया यहां पर ए। आप लोगों को मैंने उस टाइम पर डिटेल में यहां पर चीजें पढ़ाई थी, देखिए अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूं, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करने का पावर करते हैं हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को यहां पर बताया कि हमारा फेडरल सिस्टम है, पर लेकिन फेडरल सिस्टम पूरा फेडरल नहीं है, वो क्वाइजाई फेडरल है, तो उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर कुछ ना कुछ जो पावर है वो नीचे स्टेट तक भी फैलाई जाए, तो इसलिए यहां पर इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। कौन होता है यहां पर, कंपोजिशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होते हैं इसमें सारे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटर होते हैं यहाँ पर, जिस यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर है तो वहां चीफ मिनिस्टर भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिक्स सेंट्रल मिनिस्ट्री होंगी जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेटेड करेगा, और गवर्नर होगा उस स्टेट का जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कई सारे मेंबर आप लोगों को यहाँ पर कैबिनेट रैंक के देखने को मिलेंगे, स्टैंडिंग कमिटी से भी यहाँ पर निकल के आएंगे, स्टैंडिंग कमिटी में आप लोगों को चल रही है अभी हमारी, खत्म होने वाली है पॉलिटिकल लेक्चर में, तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको, जल्दी कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं पावर को डिसेंट्रलाइज करने का एक तरीका इसको माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम उस टाइम पर पूछे जाते हैं जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, उस वाले पोर्शन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, और वो पोर्शन मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था उस टाइम पर, ये बताई थी सारी बातें। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, कब उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी, तो ये कब हुआ था आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तीन चीजों के बारे में, एक तो हम लोग पढ़ते हैं बंगाल के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मद्रास, और तीसरा बॉम्बे। तो यहां पर अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, पर लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट निकल के आया, इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया, जो दूसरे दो एरिया थे, मतलब इसके अलावा जो बंगाल के अलावा जो दूसरे थे बॉम्बे और आप लोगों को मद्रास जो देखने को मिलता था, उनको तो सबोर्डिनेट बना दिया, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको सारी पावर यहां पर दे दी गई, तो एक्सक्लूसिवली पावर जो यहां पर दी गई वो 1833 का ये एक्ट आप लोगों के सामने है, चार्टर एक्ट। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे लोग, इससे पहले तो नॉर्मली एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करते थे, पर लेकिन जैसे इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली उस टाइम से आप लोगों को देखने को मिला ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इनका होता हुआ नजर आने लगा। यही वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिन्होंने सती प्रथा और ठगी को इन्होंने कम किया था, तो यही सारी बातें कई बार एग्जामों में आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में ये बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब ये आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर PIL से रिलेटेड, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट में जो लिटिगेशन डाली जाती है कोर्ट में, तो उसके बारे में बात कर ले, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के फायदे के लिए जो काम किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, तो पहला बोला गया DPSP के थ्रू, नहीं बिल्कुल गलत है, PN भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके द्वारा इसको एड किया गया था। PIL इंट्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में बाय द कोर्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब शू मूटो एक्शन के द्वारा, इसको बोलते हैं अपने आप, अगर आप लोग कोई खुद का डिसीजन ले रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं शू मूटो एक्शन, अपने आप डिसीजन ले लेना। ठीक है, तो उसके द्वारा ऐड की जा सकती है। जी हाँ, अगर कोर्ट को दिखता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और काफी लंबे समय से वो प्रॉब्लम चली हुई आ रही है, तो कोर्ट के हाथ में खुद में भी पावर ले रखी है कि वो खुद से शू मूटो एक्शन लेकर यहाँ पर PIL को अपने आप कंसिडर कर गवर्नमेंट को आदेश देगा कि ये जनता के हित में है और आप ये काम कीजिए। ठीक है, लार्ज पब्लिक के हित की बात की जाती है। ओनली एन इंडिविजुअल कैन फाइल PIL, नहीं ऐसा नहीं है, एनजीओ फाइल कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल ही फाइल करेगा। तो PIL के बारे में भी कई बार बातें पूछी जाती है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि PIL का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, साथ साथ में आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन और कवर होते रहेंगे यहां पर, इस तरीके से अगर साथ साथ में आप लोग मेरे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो। आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और कई बार इसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। बात की जा रही है लोकसभा के स्पीकर के बारे में।
जब लोकसभा स्पीकर अपना रिजिग्नेशन देता है, रिजाइन करता है, तो वो अपना रिजिग्नेशन किसको लेटर लिखता है, ये बात बोली गई है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिप्टी स्पीकर, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है वाइस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ हाउस, ऐसा इसमें से आप लोगों को चूज करना है। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो का इफेक्टिवली अगर आप लोगों को यूटिलाइज करना है तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। तो बात क्या है, इसका आंसर क्या है, डिप्टी स्पीकर। घर की बात घर में ही रह जाए यहाँ पर, इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा डिप्टी स्पीकर का। जब यहाँ पर रिजिग्नेशन देना पड़ता है तो वो स्पीकर को देता है, और स्पीकर को जब रिजिग्नेशन देना पड़ता है तो वो डिप्टी स्पीकर को देता है। कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, एक हाउस को, एक हाउस की जो सेंटिटी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए इस तरीके की बात की जाती है यहाँ पर। और आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, जब गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट जब पिक्चर में से चली जाती है तब भी स्पीकर यहां पर मेंटेन रहता है, जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पिक्चर में न आ जाए, तब तक आप लोगों को ये पहले वाला स्पीकर यहां पर पिक्चर में नजर आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है रोल यहां पर, अगर आप लोग स्पीकर को देखेंगे एज कंपेयर टू जो दूसरा अदर प्रोसीजर होता है हमारा पार्लियामेंट का। बाकी की चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं स्पीकर वाले लेक्चर में, जाकर आप लोग सारे लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो के जस्ट नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा अगर आप लोग और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो। कई बार आप लोगों के सामने कई सारे क्वेश्चन रहते हैं और आप उनका आंसर भी जानते हैं पर लेकिन गलत कर देते हैं, किसकी वजह से, नोट आ गया, पढ़ाई नहीं, स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि कौन सा ऐसा पॉइंट यहां पर नहीं है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा ऐसा यहां पर ये बात आप लोगों ने दे रखा है, कौन सा ऐसा नहीं है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है यहां पर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में नहीं आता है। तो वैसे आप लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि एक दो पॉइंट आप लोगों को पता होगा कि हाँ ये तो आता है, एकदम टिक मारेंगे उस पर और भूल जाएंगे कि यहां पर नोट पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बार बार बवाल होता नजर आता है। जुडिशियल रिव्यू खुद के भी डिसीजन का रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन बेंच की संख्या बढ़ जाती है। पहले अगर सिंगल बेंच ने किया तो आप थ्री जज की बेंच करेगी, थ्री जज ने किया था पहला तो फाइव की करेगी, फाइव ने पहला किया था तो सेवन की करेगी, इस तरीके से यहां पर संख्या बढ़ती चली जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू को भी पार्ट दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का। जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, 1973 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, आप लोगों ने उसके बारे में कई बार सुना भी होगा और मैं भी कई बार डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं, उसका नाम केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसके तहत पार्लियामेंट हमारी सब कुछ चेंज कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती है। पूरा इसके ऊपर भी एक लेक्चर ले रखा है, आप लोगों ने जो सुना होगा उसको समझ में आ रही होगी सारी बातें। पंचायत कहीं भी ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है पंचायत के बारे में आप लोग नहीं बोल सकते हैं। बाकी के तीनों जो है यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कर लीजिए, चाहे फ्रीडम एंड द डिग्निटी इंडिविजुअल की बात कर लीजिए जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट आ जाते हैं यहाँ पर सारे, ठीक है, या फिर बात कर लीजिए सेक्युलरिज्म की बात। तो देखिए फंडामेंटल राइट को क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर चेंज, वो हमारी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है? जी हाँ, चेंज कर सकती है। कई बार आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट की जो एसेंस है उसको चेंज नहीं कर सकती है, कंप्लीटली उन्होंने कुछ और ही डाल दिया यहां पर जिसकी इधर उधर कोई खबर ही नहीं है, ठीक है। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। तो नॉर्मली क्या माना जाता है कि प्रीएम्बल के बारे में पूछा जाता है, क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? जी हाँ बिल्कुल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ किया जा सकता है और पहले भी अमेंड किया गया है, पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया जा सकता। आप पूछेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअल में, ये भी टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को 1973 का केशवानंद भारती का जो केस है उसके तहत ये सारी बातें आप लोगों के सामने आती है निकलकर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की गई है, हमारे संविधान में संशोधन की जब बात की जाती है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो क्या किस तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है? हर एक हाउस को पार्लियामेंट में पास करना होता है सेपरेटली, बिल्कुल सही बात बोली गई है। ऐसा नहीं है कि यहां पर लोकसभा को ज्यादा पावर दे रखी है और राज्यसभा को कम, या फिर राज्यसभा को ज्यादा पावर दे रखी है और लोकसभा को कम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ दोनों में सेपरेटली अलग अलग से पास किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, जब सेपरेटली की बात आती है यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग की भी बात नहीं आती है। ज्वाइंट सिटिंग कौन से उसमें आती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन से आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग आती है, एक अलग पूरा लेक्चर है डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग की जब बात आती है यहाँ पर आप लोगों को बताया था मैंने कि देखिए जब जब ज्वाइंट सिटिंग हम लोग करते हैं तब तब लोकसभा की पावर ज्यादा हो जाती है क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं, लोकसभा के पावर ज्यादा है और डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं वहां पर पार्लियामेंट में, उसमें लोकसभा में, तो इसलिए कहीं ना कहीं पावर ज्यादा वहां पर दे दी जाती है। पर लेकिन संविधान के जब संशोधन की बात आती है तब इस तरीके कोई फंडा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप का रोल प्ले कर सकती है, किसी भी टाइम संविधान को अपने तरीके से चेंज कर सकती है। तो इसीलिए यहां पर दोनों हाउसेज को बराबर पावर यहां पर दे रखी है।
क्या बोली बात, नेक्स्ट क्या बात बोली गई है, द बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर से प्रेफरेंस लोकसभा के पास में आ जाएगा। किसी भी हाउस में पास, किसी भी हाउस में बिल रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा, तो दोनों हाउस में से किसी में भी रखा जा सकता है, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है यहां पर। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट होगी यहां पर गलत। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है, तो आंसर हो गया ए। कई बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है पर लेकिन क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से आप लोग उसका अटेम्प्ट ढंग से नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है अंडर द आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी आती है। अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग यहां पर प्रेसिडेंट लिखा नहीं दिखेगा, आप लोग सोचेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बार होता है आप लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो कब, द स्टेट फेल टू ओबे द सेंटर्स डायरेक्शंस, ऐसा क्या है सेंटर की डायरेक्शन फेल करने की जब बात आती है, तो यहां पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी, यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो फर्स्ट क्या हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड बात क्या की गई है, जब बहुत ज्यादा करप्शन और मेल प्रैक्टिस यहां पर देखने को मिली गवर्नेंस में, तो यहां पर ये इसका नेशनल इमरजेंसी का पार्ट नहीं है। तीसरी बात क्या की जाती है, जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन होती है और कोई भी एमिनेंट कोई डेंजर नजर आता है, कोई खतरा नजर आता है, कोई भी किस तरीके का डेंजर नजर आता है, तो उस टाइम पर, जी हाँ बिल्कुल सही बोला गया है, तीसरे नंबर के पॉइंट पर यहां पर आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी नजर आएगी। तो यहां पर आप लोगों के लिए आंसर हो गया, नीचे बोला गया कि ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं है, तो आंसर सी हो गया। ये भी अलग अलग इमरजेंसी, क्या नेशनल इमरजेंसी, क्या नेशनल इमरजेंसी होती है, क्या स्टेट इमरजेंसी होती है, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तीनों अलग अलग मैंने डिटेल में अलग अलग लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाई है, जाकर डिटेल में आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आप लोगों को एसेसमेंट और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात क्या की जा रही है, हमारी जो हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप है उसके बारे में बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जा रही है कि डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप। आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं, आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है, पार्ट सेकेंड में कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई बिल्कुल। सेकेंड क्या बोला गया है, इश्यू ऑफ सिटीजनशिप कंसिडर बाई पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम इंडो चाइना जब वार हुई थी 1962 में, उस टाइम कंसीडर किया गया, ऐसा कुछ हुआ है, कहां से ऐसा हो सकता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारी यहां पिक्चर में पहली आ चुका है, तो ये तो डेट बहुत बात की है, इससे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, थीके? और इसके बाद में भी 1986 में अमेंडमेंट हुआ, 1992 में अमेंडमेंट हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ, कई बार यहां पर इसमें जो मैंने एक्ट बताया आप लोगों को 1955 जो कि आप लोगों को सिटीजनशिप एक्ट आप लोगों के सामने नजर है, इसमें कई बार चेंजेस भी हो चुके हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गई, स्टेटमेंट सेकंड भी यहां पर गलत हो गई। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो गई, फर्स्ट भी गलत हो गई, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जिस किसी ने भी लेक्चर डिटेल में देखे हैं वो एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से अटेम्प्ट करके ले जाएगा, और इस बात की मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाते हुए बात बोली थी कि देखिए अगर आप लोग ढंग से खुले दिमाग से चीजों को देखेंगे और रटेंगे नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके ले जाएंगे, अगर पॉलिटी के हिसाब से मैं बोलूं तो, जिस किसी ने भी लेक्चर सारे सुन रखे होंगे। तो कोशिश कीजिए रिविजन करते रहिए साथ साथ में, ताकि आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन को। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग बताइएगा कि 10 में से आप लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं, और अगर आप लोगों को कम मार्क्स मिले हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभी आप लोगों को हार नहीं माननी है किसी भी तरीके से, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी आपके पास में काफी टाइम है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को अपने आप पर विजय अचीव करनी है। आप लोगों को अभी, अगर अभी से भी आप लोग ढंग से लग जाएंगे ना चीजों को करने में, तो अभी से भी आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, पर लेकिन ये आपको बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग खुद के ऊपर बिलीफ ना करें। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पानी को भी सेव कीजिए, प्लास्टिक बैग और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।